Hello, everyone. Hello, everyone. Welcome back to Learn Karo classes. This is Anushka, your mentor. And फटाफट से आ जाओ, join in कर लो, क्योंकि आज हम start कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका official mock test है agriculture का, उसको practice करेंगे. एंड ये मॉक टेस्ट इसलिए यहाँ लिया है क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें भाई, है तो बायोलॉजी की ब्रांच एंड बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आप खुद ब खुद कर पाओगे. सो फटाफट से ज्वाइन इन करो एंड ट्राई करना, कुछ टॉपिक जरूर यहाँ स्पेसिफिक जाएंगे. हेलो फील किंग, अदरवाइज आप यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर खुद कर सकोगे. तो ट्राई करना, हो सकता है 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, 12th का लग रहा हो, या दो तीन चैप्टर के मिक्स लग रहे हो, आराम से आंसर आप कर पाओगे. स्टार्ट करें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सबसे पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स से. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे. क्या बताना है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा? स्किन कलर, कलर ब्लाइंडनेस, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम या फिर एलकैप्टोन्यूरिया. स्पेलिंग गलत है, एलकैप्टोन्यूरिया होगा. बताना जरा आंसर, इसका आंसर तो आप सभी को आना चाहिए. क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. गुड लोकपति, फटाफट से आ जाओ, कौन सा हो जाएगा? देखो अगर हम बात करें ना क्वांटिटेटिव, यानी कि अगर आप देखो स्किन कलर को, तो स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ए बी सी ये जीन होते हैं. सो आप क्या कहोगे, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ हमारे पास एक से ज्यादा जीन है, तो किस में आ जाएगा भाई ये? पॉलीजेनिक. पॉलीजेनिक में आएगा. एंड यहाँ पे अगर ये सारे डोमिनेंट होते हैं तो स्किन कलर बिल्कुल डार्क होगा, अगर ये सारे ही रिसेसिव होते हैं तो स्किन कलर बिल्कुल लाइट, एल्बिनो जिसे हम बोलते हैं, और अगर यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसके बेसिस पे स्किन कलर यहाँ पे रहता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्किन कलर. इसी के अलावा बात करें अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हो ना, इसका जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे. क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में क्या देखते हो, एक्स एक्स वाई वाला कंडीशन, यानी कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मेल के अंदर फीमेल जैसे कैरेक्टर्स. एंड एलकैप्टोन्यूरिया की अगर हम बात करें ना, तो एक डिजीज है, आप कह सकते हो इनहेरिटेड ट्रेड है. यहाँ पे एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज जिसकी कमी की वजह से हमें ये डिजीज देखने को मिलती है. सो करेक्ट आंसर, हेलो एके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलर ऑफ स्किन. क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट पे चले. चलो अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखना भाई क्या है. अगला है स्वीडिश जेनेटिक्स एच नीलसन एल डिस्कवर्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सबसे पहले किस में पढ़ा था? पहला दे रखा है ज्वार सीड, सेकेंड है वाइट कर्नल कलर एंड कलर, थर्ड है हमारे पास पी सीड कोट, एंड फोर्थ दे रखा है मेज सीड कलर. आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का? देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपके सिलेबस में भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर किया. तो यहाँ पे नाम आ जाएगा नीलसन ने डिस्कवर किया. किस टाइम पीरियड पे डिस्कवर किया था? तो ये नोट कर लेना, 1909 में डिस्कवर हुआ था. और कौन सा यहाँ पे मटेरियल था जिसपे इन्होंने डिस्कवरी करी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, व्हीट कर्नल कलर. यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. देखो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के उसको अटेम्प्ट करो, कुछ टॉपिक के बाहर जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को आप ट्राई जरूर करना. क्योंकि एग्रीकल्चर भले ही एग्रीकल्चर बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में है तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कुछ ना कुछ रिलेट करता है, यहाँ पर भी आएगा. अब जैसे सेल साइकिल की बात करें ना, मियोसिस माइटोसिस प्लांट में भी है एनिमल में भी है, इसी तरह से इसी के सारे इवेंट आ जाएंगे यहाँ पे. तो
ट्राई करो एक बार कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने का, कर सकते हो आप लोग, घबराओ मत बिल्कुल भी। बिल्कुल, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर इज प्रिडिक्शन प्रिडिक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। देखो शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग की बात करें ना, जैसे अपने फोन में आप वेदर टेस्ट कर लेते हो, लगभग लगभग वो हफ्ते भर का दिखाता है। तो शॉर्ट रेंज की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है जो कुछ दिन आगे का टाइम पीरियड, वेदर कैसा रहेगा, कंडीशंस कैसी रहेंगी, जो प्रिडिक्ट कर सकें, वो किस में आएगा? 1 और 2 डे में आएगा शॉर्ट रेंज, 3 to 10 days में आएगा, 4 weeks में आएगा, या फिर 2 month में आएगा। सो शॉर्ट रेंज की अगर हम बात करें ना, बिल्कुल इमरान, एनसीईआरटी पूरी तरह से इनफ है आपके एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी अच्छे से कर जाओ, एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, देन आप 100% आराम से स्कोर कर सकते हो। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के ये नहीं है कि आपको आ रहे हैं सवाल और आप सारे ही लाइन से लगाते चले जा रहे हो। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत कम टाइम लेंगे, और कुछ सवाल होंगे स्टेटमेंट बेस्ड जो कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो स्मार्टनेस आती है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहले करो, क्योंकि आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। 10 सवाल आप छोड़ सकते हो, या फिर आप अटेम्प्ट करोगे 35, अगर 45 आते हैं 10 छोड़ सकते हो। तो जो टाइम कंज्यूमिंग हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, जहां पे पढ़ के टाइम लगे, या फिर किन्हीं क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, तो उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड करना और सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस को ट्राई करना। सो अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें, तो शॉर्ट रेंज में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 से 2 दिन का आता है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला करते हैं। देखो यहाँ पे एक तरफ क्या दे रखे हैं, जो फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड वेलोसिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग तरीके की फसलें लगाई जाती हैं, तो इन फसल को लेके ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसका ग्रोथ कैसा रहेगा, कितना ज्यादा ये प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो अलग अलग तरीके की फसलें, सबके लिए कंडीशंस अलग होती हैं। जो फसल कनाडा में हो रही है इसे इंडिया में नहीं लगा सकते, इंडिया का कोई प्लांट कनाडा में नहीं लगा सकते, कंडीशंस बहुत अलग है। सो उन्हीं कंडीशंस को मेजर करने के लिए यहाँ है डिवाइसेस। सो बताओ इसका आंसर आप कर सकते हो बहुत इजिली। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज कर लिया जाएगा भाई, थर्मोमीटर। देख लो ए का थर्ड मिल गया आंसर, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सेकंड हम बात करें रेनफॉल को मेजर करने के लिए, सामने ही लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रेन गॉज, सो बी का सेकंड। विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए क्या आता है हमारे पास, एनीमोमीटर, सी का 1। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आता है हाइग्रोमीटर, बस इसको ध्यान रख लेना। एंड विंड वेलोसिटी, विंड का याद है ना, विंड पॉलिनेशन आपने पढ़ा था, बताओगे विंड पॉलिनेशन को और किस नाम से जानते हैं? जैसे वाटर के लिए था हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के लिए था हमारे पास एंटिमोफिली। सो विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, किस टर्म से बोला जाता है, आपको उससे आइडिया लग जाएगा, बताओ। इसका आंसर तो सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 हो जाएगा। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस किए हैं शायद, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। वेरी गुड देवी, विंड पॉलिनेशन के लिए हम यूज करते हैं एनीमोफिली, है ना। एंड यहां देखना, ये देखो ये भी लिखा है एनीमो और ये भी लिखा है एनीमो, सो एनीमोमीटर हो जाएगा विंड वेलोसिटी पता लगाने के लिए। एंड एनीमोफिली हम यूज करते हैं जब हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है। चले नेक्स्ट पे, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखो, मैंने आपको यही बोला था कि क्लास 11th भी आ सकती है। सो देखो क्या क्वेश्चन है, मियोसिस इन्वॉल्व वन साइकिल ऑफ, मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस में एक बार जो साइकिल होती है वो कौन सी है। पहला दे रखा है डीएनए रेप्लिकेशन,
सेकेंड है साइटोकाइनेसिस, सी दे रखा है कैरियोकाइनेसिस, डी है फॉर्मेशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन एंड ई दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स। बताओगे यहाँ पे? क्वेश्चन है करेक्ट आंसर, देखते हैं किसको याद है सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, किसको अच्छे से याद है वो ही यहाँ पे आंसर कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिफ्थ, ट्राई करो। देखो सबसे बेसिक है, अगर आप बायो पढ़ने जा रहे हो ना, आपको आगे भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर है, कोई भी फील्ड आप चूज करोगे बायो की, सीधी सी चीज एक है कि मियोसिस माइटोसिस तो आना ही आना है। क्या बोल रहे हो आप, बी और सी? सवाल समझ में आया? मियोसिस इन्वॉल्व वन साइकिल, यानी कि जो पूरा मियोसिस का प्रोसेस है, गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा होगा जो सिर्फ एक बार होता है, कौन सा इवेंट है जो सिर्फ एक बार होता है? गुड लोग पति, नहीं इमरान, एनाफेज, नहीं भाई, मियोसिस, मियोसिस देखना थोड़ा सा याद कर लो। मियोसिस अगर हम देखें तो यहाँ हम बोलते हैं ना दो साइकिल होती है, एक को हम बोलते हैं मियोसिस वन और एक हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मियोसिस वन और मियोसिस सेकेंड। गुड आफ्टरनून खुशबू, ध्यान दो, सेल साइकिल, हाँ मियोसिस वन मियोसिस सेकेंड है। अब देखो ना इन दोनों में कौन सा एक इवेंट है जो सिर्फ एक बार होगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा लेके चलती हूँ, इलेबोरेट करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हुआ, अच्छा ये आंसर तो यही होगा, यहाँ देखो, देखो अगर मैं बात करूँ ना मियोसिस, आपको याद है आप कोई भी सेल जब साइकिल में एंटर करता है तो उसको कुछ फेजेस में से होके निकलना पड़ता है। जैसे एक आता है G1 फेज, एक आता है S फेज, फिर आता है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज काफी बड़ा होता है, S फेज भी अच्छा खासा होता है, फिर आता है इसके बाद M फेज। अब देखो M फेज में मियोसिस बोल रहे हैं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे प्रिपरेशंस चलेंगी, कुछ प्रोटीन्स वगैरह बनवाए जाएंगे जो कि एस फेज में इस्तेमाल हो। एस फेज के बारे में क्या पढ़ाया जाता था, एस फेज एक ऐसा फेज है सेल साइकिल का जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है लेकिन अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि अमाउंट अगर इनिशियली 2C था तो 2C से वो 4C हो जाता है। 2C मतलब कुछ एक इस तरीके का क्रोमोसोम और यहाँ पे अमाउंट अब हो जाएगी कुछ ऐसी, 4C हो जाता है। सो यहाँ देखो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर G2 में आया, G2 में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनवाए जाएंगे जो कि M फेज में चाहिए। अब M फेज में होगा यहाँ मियोसिस वन और मियोसिस वन होते ही इमीडिएटली मियोसिस सेकेंड हो जाता है, मियोसिस वन होते ही इमीडिएटली मियोसिस सेकेंड हो जाता है। तो देखो ना साइकिल यहां से चली थी, डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार हुआ और मियोसिस वन पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा से सेल साइकिल में एंटर नहीं करता, मियोसिस वन के बाद दोबारा से आएगा मियोसिस सेकेंड। तो क्या देखने को मिला, देखो साइटोकाइनेसिस की बात करें मियोसिस वन और सेकेंड में, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा सेल बनेगी, कैरियोकाइनोसिस मियोसिस वन में भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा मियोसिस टू में भी डिवाइड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन भाई मियोसिस वन की स्टार्टिंग में सारी की सारी मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा, मियोसिस वन के एंड पे बनेगा, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होते डिसइंटीग्रेट होगा, मियोसिस सेकेंड के एंड पे फिर बन जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें रेप्लिकेट तो मियोसिस वन में भी होगा मियोसिस सेकेंड में भी होगा, सिर्फ बचा क्या डीएनए रेप्लिकेशन जो कि मियोसिस वन होने से पहले एक ही बार हुआ। क्लियर हुआ ये पूरा मियोसिस, समझा दिया जितना बेसिक पॉइंट था वो क्लियर हुआ आपको? हेलो नूतन,
वेरी गुड लोकपति, सिर्फ एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट करता है मियोसिस के टाइम पे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये फिफ्थ, एंड आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो भाई सिक्स दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, एंड थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा ना स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर, देन यू कैन आंसर, स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर से रिलेट कर जाएगा। क्या दे रखा है, विच आर द मिल्च पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। मिल्च पर्पस ब्रीड का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग, यानी कि कैटल की ऐसी ब्रीड जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हो एक अच्छी खासी अमाउंट में। अब यहां देखो क्या है, पहला दे रखा है बरगुर, साहिवाल, निमारी, रेड सिंधी एंड ई है डांगी। किसी को पता है, आपने एटलीस्ट यहाँ पे दो नाम तो जरूर सुने होंगे कि भाई बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन है। एवरेज की भी अगर हम बात करें तो अच्छा खासा लैक्टेशन, हर एक लैक्टेशन पे अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मिल्क आ जाता है। तो देखो कौन कौन सी है, ट्राई करो, एक का तो नाम आपने सुना है, अपनी एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है सिक्स। देखो अगर हम बात करें ना तो इसको ध्यान रखना, साहीवाल की बात करें बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, हर लैक्टेशन के साथ अच्छा खासा मिल्क प्रोड्यूस करती है, और दूसरी है हमारे पास रेड सिंधी, ये भी बहुत अच्छी अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करती है। गुड, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फोर, जहां आपको बी और डी दिख रहा है। साहीवाल के बारे में तो आपने भी सुना है भाई, पढ़ा है साहीवाल के बारे में, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ। चलो सेवन पे आते हैं, ट्राई करना इसका, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सॉइल की, पहला है सॉइल पीएच, सेकेंड दे रखा है सॉइल स्ट्रक्चर, थर्ड है सॉइल कलर, एंड फोर्थ है सॉइल प्लास्टिसिटी। ट्राई करो, देखो वो आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, थोड़ा सा लिंक करो। गुड फील किंग, पीएच के फुल फॉर्म बताओगे, वेरी गुड, ये तो बहुत इजी था। गुड आयशा, नूतन, इमरान, खुशबू, पीएच 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 फुल फॉर्म बताओ पीएच की। बताओ फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है सॉइल पीएच करेक्ट है आंसर आपका, पीएच का फुल फॉर्म बता दो, इसके बारे में तो क्लास नाइन्थ में भी पढ़ लिया होगा पीएच। आंसर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेवेंथ का फर्स्ट, पीएच के फुल फॉर्म, भाई केमिस्ट्री भी पढ़ते हो ना, पीएच के फुल फॉर्म नहीं पता। गुड इमरान, बाकी बताओ पीएच की फुल फॉर्म नहीं पता है, ऐसी कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। भाई पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन, एंड अगर हम सॉइल पीएच की बात करें सो यहां पे सॉइल पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे पीएच अगर कम है तो आपको पता है सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी। अगर पीएच हाई है सो सॉइल कैसी हो जाएगी, यहाँ पे बेसिक हो जाएगी। सो केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एसिडिक और बेसिडिक, बेसिक करेक्टर, बिल्कुल, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, करेक्ट, एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो, क्या कहते हैं, पोटेंशियल हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉइल पीएच। अच्छा इसके बारे में सुना है सॉइल प्लास्टिसिटी क्या होता है, सुना है सॉइल प्लास्टिसिटी के बारे में, सॉइल
सॉइल प्लास्टिसिटी, जितना भी पता है या जो भी सुना है उसके अकॉर्डिंग एक बार ट्राई करो, ट्राई करिए। देखो सॉइल प्लास्टिसिटी, आपने देखा है ना मिट्टी से अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाती हैं, कई बार डेकोरेशन की बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये मिट्टी की प्रॉपर्टी है, इसको हम सॉइल प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जिससे हम मिट्टी से अलग अलग तरीके की चीजें बना सकते हैं। ठीक है, सॉइल प्लास्टिसिटी मतलब मिट्टी से जो हम अलग चीजें बना सकते हैं, याद रखना काम आ सकता है आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाँ जी, इसका भी आंसर आप कर सकते हो। देखो इन पपाया विच मेथड ऑफ प्रोपोगेशन कॉमनली फॉलोड, मेथड कौन सा यूज किया जाता है, कॉमनली फॉलो किया जाता है पपाया ग्रोथ कराने में। अब यहां मैं आपको हिंट देती हूँ, सेकंड चैप्टर था हमारा जब हमने पपाया के बारे में पढ़ा था, हमने बोला था पपाया हमारे पास कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल डाइशियस प्लांट, यानी कि मेल एक अलग बॉडी पे होता है और फीमेल एक अलग बॉडी पे होती है। तो ऐसे केस में क्या यूज करोगे, बायसीड, बडिंग, एसेक्सुअल लेयरिंग, क्या यूज करेंगे। वेरी गुड, मिला आंसर, आप देख लो कितना ज्यादा लिंक करता हुआ है। करेक्ट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे पास सेक्सुअल, यानी कि सीड से। चलो भाई 9 है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद कर सकते हो, देखते हैं कौन बताता है यहाँ पे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्ट्रीब्यूट मेंडल्स सक्सेस, कौन सी स्टेटमेंट है गिवन में से जो मेंडल सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। पहला है सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सेकेंड है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, सी दे रखा है वन कैरेक्टर एट वन टाइम, डी है हिज स्टैटिकल नॉलेज एंड ई दे रखा है नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। बताओ भाई कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस रहे, करेक्ट आंसर, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। वेरी गुड फील किंग, गुड आयशा, वेरी गुड लोकपति। भाई देखो इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ पे पहली बढ़िया चीज मेंडल के साथ रही कि उन्होंने पी प्लांट को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की तरह शो लिया। दूसरा क्या था कि हर जब भी उन्होंने क्रॉस करा एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को पढ़ा। इसके बाद आता है उनकी जो स्टैटिकल नॉलेज थी जिसने उनको हेल्प करी पूरा एक प्रॉपर डाटा कलेक्शन में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड। चलो 10th क्वेश्चन है, 10th क्या दे रखा है, साइंटिफिक नेम है टेगेट्स इरेक्टास, बोटानिकल नेम किसका हो जाएगा, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, फ्रेंच रोज, जैस्मिन। सो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसकी अगर हम बात करें ना तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पेट्यूला लिखते हैं हम इसे, बाकी रोज और जैस्मिन का आप जानते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी आंसर आप कर सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ होलिस्टीन फ्रेंशियन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ, आपको बताना है होलिस्टीन फ्रेंशियन जो एक्सोटिक ब्रीड है काउ की, यानी कि इंडिया की नहीं है बाहर की ब्रीड है। सो कहाँ की है ओरिजिन, स्विट्जरलैंड, आइलैंड जर्सी, फ्रिसलैंड एंड होलैंड एंड डी देर फोर्थ है इंडिया, ये आंसर कर सकते हो, नाम से ही आंसर मिल जाएगा। बताइए नाम से आंसर मिल जाएगा, यहाँ देखना क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ओरिजिन पूछ रहा है, ओरिजिन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 11, गुड, मिल गया, बिल्कुल गुड फील किंग, गुड खुशबू, डायरेक्ट है, गुड देवी, गुड इमरान, आयशा, बिल्कुल सही भाई, नाम से मिल गया, हॉलिस्टीन फ्रेंशियन बोल रहा है एंड देख लो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
डैश इज अ नॉर्मल पीएच ऑफ बुल सीमेन. देखो नॉर्मल पीएच बताना है बुल सीमेन का, कितना दे रखा है यहाँ पे. ऑप्शन नंबर वन है 7.9 to 8.1, सेकंड दे रखा है 6.4 to 6.8, थर्ड है यहाँ पे 3.2 to 3.5, एंड फोर्थ दे रखा है यहाँ 4 से लेके 4.5. जितना आपने पढ़ा है ना उस नॉलेज का यूज करो, जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो. चलो मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड होगा. 6.4 से लेके 6.8 तक जो है सीमेन होता है, बुल सीमेन का पीएच होता है. अच्छा आप बताओ सीमेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है. इस टेक्निक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, टेक्निक का नाम बताइए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं. नहीं फिल्किंग, करेक्ट आंसर बी होगा 6.4 से लेके 6.8, एंड आप मुझे यहाँ टेक्निक का नाम बताओ कौन सी टेक्निक यूज की जाती है प्रिजर्व करवाने के लिए. लाइक सीमेन को हमने कलेक्ट किया, उसको प्रिजर्व किया ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. ट्राई करिए कौन सा टेक्निक है ये आपने पढ़ा है. देखो है, होता है ना कि कोई बाहर अमेरिकन ब्रीड है बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है, बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, आप चाहते हो वो कैरेक्टर जो है इंडिया की काउ से क्रॉस करवा के भी लाया जाए, तो आप बाहर की ब्रीड पे इतना सारा पैसा लगा के उसे पानी या हवा के रास्ते थोड़ी लाओगे. तरीके हैं, गुड इमरान, वेरी गुड फील्किंग. कौन सा तरीका है, क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं, यानी कि इसे स्टोर करवाते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे. चले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं. पहला है रैंडम फील्ड डिचेस इरिगेशन, बी दे रखा है सरफेस इरिगेशन, सी है सब सरफेस इरिगेशन, डी है स्प्रिंकल इरिगेशन, एंड ई है ड्रिप इरिगेशन. सो आपको बताना है करेक्ट कौन सा सिस्टम है. व्हाट आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई जब हम करते हैं. हाँ बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी है, एंड सेकंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे बात करते हैं पॉलन ग्रेन को स्टोर करवाते हैं, तो ये वहां पर भी है. अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके चाहिए क्यों सिंचाई के. देखो क्रॉप है, हर एक कंडीशन में ग्रो करवा रहे हो, कुछ ऐसी है जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो हम ऐसे एरिया में ग्रो करवाएंगे जहां पानी की अवेलेबिलिटी हो. कुछ ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम अमाउंट में वाटर चाहिए, या फिर एक ऐसे एरिया में ग्रो करवा रहे हो जहां पे पानी की कमी है, तो ऐसे केस में यहाँ पे ध्यान देना क्या करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल सही, करेक्ट फील्किंग, गुड. देखो सब सरफेस इरिगेशन, डायरेक्टली सरफेस पे सिंचाई करवा रहे हो, सब सरफेस है. स्प्रिंकल देखा है ना, जब पानी को दिया जाता है वो डेवलप करते हैं पूरा सिस्टम फील्ड में, देन शावर की तरह दिया जाता है स्प्रिंकल, एंड ड्रिप इरिगेशन की पानी डायरेक्टली रूट में ही दे रहे हैं. सो यूज करते हैं हम इन मेथड्स का, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास फोर्थ. लेकिन ये जो पहला है ना रैंडम फील्ड डिच इरिगेशन, इसमें क्या होता है रैंडमली फील्ड में कहीं कहीं पे पानी जो है भर के छोड़ दिया जाता है, ठहर जाता है पानी वहां पे. सो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ हो जाएगा. एंड क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13. चलो 14 पे आओ, इस क्वेश्चन का आंसर सभी करेंगे और जो रेगुलर है ना उसको पता है ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है और यही सेम सवाल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू मॉक में है, ठीक है. देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बताना कौन सा यूज नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कौन सा यूज नहीं करते. ग्लूमस अर्थवॉर्म स्नेल, एंड ये ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेटोरिया है, ग्रीन एल का ऑसिलेशन नहीं है, गलत स्पेलिंग दे रखी है. नहीं बेटा, जो आपका है ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे.
भाई टाइम मैनेजमेंट का तो है, तभी तो बोला बोल रही हूँ कि लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मत करना, पहले सिंपल क्वेश्चंस पे जाना। गुड, क्या हो जाएगा? स्नेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट हो जाएगा हमारे पास सी। चलो अगला क्या दे रखा है? डैश ब्रीड ऑफ बफेलो इज इंटरमीडिएट क्रॉस बिटवीन मुराज एंड सूरती, क्रॉस इनके बीच का क्या है? वन दे रखा है बन्नी, मेहसाना, जाफराबादी, नागपुरी। बताओ, यहाँ पे तुक्के मत लगाओ, ठीक है? किसके बीच का क्रॉस? इसके, इन दो के क्रॉस से जो हमारे पास इंटरमीडिएट क्रॉस करवाया, जो ब्रीड ऑफ बफेलो आती है, वो है हमारे पास यहाँ पे मेहसाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। और ये क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास? 15। 16 का आंसर करेंगे, इसका आंसर आप सभी करोगे। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू नासा द गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्लूड डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अकॉर्डिंग टू नासा देखा जाए तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है? क्या दे रखा है? 78.93, 0.03 एंड 0.01%। इसका आंसर कर सकते हो? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, नासा के अकॉर्डिंग अर्थ एटमॉस्फेयर में CO2 का कितना परसेंटेज है? बताओ बताओ, ये तो कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अरे CO2 पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं पूछा उसने। 78 मत करिए, 78% नाइट्रोजन का है। गुड लोग पति, 78% नाइट्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो पूछ रहे हैं। कैसे कर रहे हो ना? बिल्कुल, अब आंसर आए हैं, बाकी भी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन ग्राम लीव्स। ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन एलिमिनेट करवा सकते हो, एलिमिनेट करवा सकते हो, ऑप्शन आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो, हाइड्रोसाइनिक एसिड, सेकंड दे रखे हैं कार्बोनिक, थर्ड है एसिडिक एंड फोर्थ है मेलिक। बिल्कुल सही, 0.03% है CO2 का ग्राम लीव्स में। एलिमिनेशन करवाओ, कौन से एसिड जो है वो इसमें से प्लांट में मिल सकता है, सिर्फ इतने पे जाओ। गुड, मैलिक एसिड सुना होगा, मैलिक एसिड पढ़ा भी होगा, C4 साइकिल अगर किसी को याद है। C4 साइकिल अगर याद है तो कर जाओगे, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मैलिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसका आंसर करिएगा। रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई एग का बिना फर्टिलाइजेशन हुए डेवलपमेंट हो जाना एम्ब्रियो का, पार्थिनोजेनेसिस, एपोगैमी, एपोस्पोरी या फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट। गुड इमरान, वेरी गुड, बाकी बताओ। वेरी गुड खुशबू, गुड आयशा, अटेम्प्ट करो। करेक्ट, पार्थिनोजेनेसिस। गुड लोकपति, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एपोगेमी बताओगी क्या है? एपोगेमी है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, एपोस्पोरी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। एपोगेमी
एन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है नूतन। आयशा बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर वन। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की बात करें तो कुछ कुछ केस जो है वो एपोमिक्सिस जैसा ही है, एपोमिक्सिस के अंदर ये केस आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का। अगला है द इंडिजीनियस, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। पूछ रहा है इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पोलेट्री। भाई ये तो पता होना चाहिए कौन सा होता है, असील, सनसेक्स, मिनक्रॉ एंड लॉन्गसन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, ए बी सी डी, कौन सी है इंडिजीनियस ब्रीड? माइनॉर्का होगा, असील होगा, सनसेक्स होगा या फिर लॉन्गसन, बताइए। नहीं पता, इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर वन। ध्यान रखना कौन सी है यहाँ पे इंडिजीनियस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है असील। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करेक्ट होगा वन, असील। ये उन्हीं के लिए है जो स्पेसिफिकली है अपनी फील्ड से, वो ही कर सकते हैं आंसर, कुछ है ना रिलेट करेगा टॉपिक से डायरेक्ट। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। सवाल क्या है, डैश मीन्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज ऑपरेशन। इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। देखो मल्चिंग की अगर हम बात करें, मल्चिंग क्या होता है, पत्तों से ढक देना, कवर कर देना। हार्वेस्टिंग आप जानते हो कि फसल है जो ग्रोथ हुआ उसको हार्वेस्ट कर लिया। सॉइल टिल्थ प्रिपरेशन किया जाता है जहां पे आप सीड बो सकते हो, एक तरह से मिट्टी को तैयार करना। एंड यहाँ अगर हम बात करें थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग होता है कि जो भी क्रॉप कलेक्ट किया है उस क्रॉप से आप ग्रेन को अलग करा लो बाय द हेल्प ऑफ कोई मशीन हो सकती है या फिर इंडिजीनियस का मतलब होता है जो कि इंडिया की आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए बोलते हैं। एक्सॉटिक कहीं बाहर की, कहीं दूसरे एरिया से लाए हो, इंडिजीनियस एक पर्टिकुलर एरिया में। सो आंसर मिल सकता है फिजिकल कंडीशन सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज ऑपरेशन, वेरी गुड। ठीक है करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, थर्ड। 21 पे चलते हैं, इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, जो कोई एग्रीकल्चर का है वो ही बता पाएगा इसका आंसर। देखो क्या दे रखा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो क्या ये मिक्स फर्टिलाइजर है या फिर ये सॉइल अमेंडमेंट्स है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर है या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? कोई एग्रीकल्चर का जो आंसर कर सकता है इसका? ऑप्शन नंबर ए बी सी में से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21? पता फील्डिंग के ज्यादातर आंसर सही हो रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं। देखो भाई यहां आप दो ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये जो लिखा है ना डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करवाता है, फॉस्फोरस भी प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। सो इसको बेटर कंसीडर करना होगा कि हम इसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में डालें, लेकिन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर नहीं होगा, देन आप जा सकते हो मिक्स फर्टिलाइजर के साथ। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है एंड आंसर हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। हाँ एलिमिनेशन करते रहो, पर ये मेथड्स पढ़े होंगे तभी तो एलिमिनेशन लग रहा है। जैसे एलिमिनेशन में सॉइल अमेंडमेंट हटा दिया, लेकिन क्या स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या मिक्स है, ये पढ़ा है? तो ये तुक्के ही है, जो टर्म्स आपने नहीं पढ़ी वहां पे अगर सही कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुक्का ही लग रहा है। चलो 22 पे आते हैं, इसका आंसर आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। सो देखो वीट दे रखा है, पेडी, शुगर कैन एंड सोयाबीन, और एक तरफ है इनकी एडवांस वैरायटी हाइब्रिड जो बनाई है। ठीक है आपको करेक्टली मैच करना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर? गुड एक्सपेरिमेंट टेक, बाकी बताओ। अरे ये तो आप कर सकते हो,
हाँ, नाम पढ़ के पता चला इतना बड़ा नाम है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट? अरे ध्यान से, गुड थिंकिंग। देखो व्हीट की अगर हम बात करें, ये आपने भी पढ़ा है, कौन सी वैरायटी बनाई गई है? सोनालिका प्रिपेयर किया है। पैडी की अगर हम बात करें तो ये होता है यहाँ चावलों के लिए, बासमती आ जाएगा। फिर बचता है, अब देखो दो ऑप्शन मिला लो, ए का सेकंड बी का थर्ड, कहाँ दिख रहा है ए का सेकंड बी का थर्ड, और बचा शुगर कैन। नहीं पता तो आप इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हो ना, एंड सोयाबीन दे रखा है ब्रैक, सो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ बी है करेक्ट नूतन। हाँ वीट जो है सोनालिका, ये तो आपने भी पढ़ा है भाई स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में, ये आपने भी पढ़ा है, और ये तो आपने पढ़ा है ना पेडी फील्ड के अंदर हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो नाइट्रोजन का अपटेक बढ़वा दें। सो पेडी फील्ड का मतलब क्या है? जहां पे चावलों की खेती की जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच वन ऑफ द केमिकल इज नॉट यूज्ड, कौन सा केमिकल है जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाता इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट? क्या क्या दे रखा है? एसिडिक एसिड, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, एंड फोर्थ दे रखा है नाइट्रिक एसिड। बताओ कौन सा यूज नहीं किया जाता है। हाँ अब ये मत करो कि नाम कॉम्प्लेक्स है तो चलेगा, कॉम्प्लेक्स ही कुछ भी। देखो यहाँ पे देखो, एसिटिक एसिड आप जानते हो, गर्मियों का टाइम आ गया है ना, जनरली सिरका यूज किया जाता है, जिसके अंदर प्याज डाल के रख दी तो काफी लंबे टाइम तक खा सकते हैं, मिर्चा वगैरह इस तरह से मम्मी करती है, यानी कि ये प्रिजर्वेशन में लगता है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट की बात करें, जो तो फूड होते हैं ना, उन फूड का कलर प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट भी प्रिजर्वेशन में लगता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, जय श्री राम भाई, अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड का काम है राइपनिंग, तो राइपनिंग को डिले करना, यानी कि जो फ्रूट बनने का, पकने का होता है ना, पूरा फल तैयार होता है, उस प्रोसेस को डिले करता है। ठीक है करेक्ट, एक और बार फील किंग का आंसर करेक्ट होता हुआ। चलो 24 पे आओ, ये जिसने एग्रीकल्चर पढ़ा है वही कर पाएगा, फैमिली दे रखी है, फ्रूट दे रखा है, मैच करना है। हाँ एसिटिक एसिड अचार में भी डलता है। चलो चलो अगला क्या दे रखा है, एक तरफ फ्रूट है एक तरफ फैमिली है, मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 24, फील्ड की मैं तारीफ कर रही हूं, कितने ध्यान से पढ़ाई करी है ना, कि अपनी फील्ड से थोड़ा एडवांस भी जाके आंसर कर पा रहे हो। आंसर करो, आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? अरे क्या कर रहे हो, किसी को नहीं आता ना ये, किसी को नहीं आता ना। और पता है यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 24, गुआवा की फैमिली इसके सामने है, कस्टर्ड की फैमिली इसके सामने है, कैशू, एनाकार्डियसी, पपाया सामने है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहीं दिख रहा है? ए, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। नजर नहीं लग गई, ये चीज आपने पढ़ी ही नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसका आंसर बता दो। डैश इज द इनहेरेंट पोटेंशियलिटी ऑफ प्लांट सेल टू गिव राइज टू अ होल प्लांट, यानी कि कोई भी प्लांट सेल है और उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि आप इजी जाके प्लांट प्लांट बना सकते हो उस पर्टिकुलर सेल से।
देखो यहाँ पे इनहेरेंट पोटेंशियबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू गिव राइज टू होल प्लांट, म्यूटेशन, स्पेलिंग गलत, पॉलीप्लॉइडी, एम्ब्रियो कल्चर, टोटिपोटेंसी। कोई बात नहीं, न्यूतन न्यूतन हो जाता है गड़बड़ी में, जल्दबाजी में अधिकतर होता है कि इतना इजी थोड़ी देंगे। गुड इमरान, गुड फील्किंग, करेक्ट है नूतन। आयशा वेरी गुड, गुड अनुभव करेक्ट, ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ये, करेक्ट। टोटी पोटेंसी बोलते हैं ना कि कोई भी प्लांट सेल है और उस प्लांट सेल से एक नया प्लांट बनने की कैपेसिटी टोटी पोटेंसी कहलाता है। बिल्कुल, टिश्यू कल्चर में पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ, टोटी पोटेंसी। चले आगे, एंड आज के सेशन के लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन थे, बचे हुए 25 क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ रेगुलर रहो, कुछ ना कुछ नया सवाल आपने जरूर सीखा होगा आज, एंड कल और चलेगा ये, देन आपका रेगुलर चलता रहेगा जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं। इतना टाइम अपना वेस्ट मत करो, डे वाइज अपनी एनसीईआरटी जो है रिवाइज करो, और अब जो रिविजन है वो चैप्टर वाइज ना होकर यूनिट वाइज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टारगेट करो कि भाई 2 या 2.5 घंटे में आप एक यूनिट निपटा सको, सो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक इम्पोर्टेंट रफ्तार बैच चल रहा है, 0 to 0 बैच, एंड यहाँ पे सीयूईटी 2023 के लिए क्रैश कोर्स है, जहाँ पे अगर आप लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जर्नल टेस्ट लेते हो, लाइव क्लासेस मिलेगी। यहाँ आपको पे करना है 2099, एंड अगर आप सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट और जर्नल टेस्ट लेते हो, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है 1399। एंड यहाँ अगर आप लैंग्वेज टेस्ट ले रहे हो, डोमेन टेस्ट यहाँ आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, एंड जर्नल टेस्ट, तो यहाँ आपको कितना पे करने पड़ेगा, 1399 आपको पे करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू हो गया, सारे भाग गए, कल आ जाना टाइम पे। एंड यहाँ ध्यान रखना, एक्स्ट्रा 30% का ऑफ मिल रहा है आपको, सिर्फ कोड क्या यूज करना होगा, आपको फाइनल यूज करना होगा, एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, 6397662212 पे कांटेक्ट कर लेना, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सर्च करना है, लर्न करो, सॉरी सर्च आपको करना है यहाँ पे सीयूईटी बाय गोकुल छाबड़ा, इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, जितना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। बैच लेने का सोच रहे हो, ले लो, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस हैं, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट सेशन में जाके दिखेगा फ्री और पेड बैचेस, आप अपने जो भी बैच है आपका वो आपको मिल जाएगा। तो कल के सेशन में मिलते हैं, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना पढ़ाई अच्छे से करो, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, वर्क हार्ड फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।